दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स होंगे एनिमल किंगडम के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, एम्ब्रियोनिक लेयर, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड मेटाबोलाइजेशन, नोटोकोड, कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीस, एस्केहेलमिंथीस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, एमिकोडेट्स और कोडेट्स। कोडेट्स को फर्दर तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट एंड वर्टिब्रेट। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त छकास बिंदास होंगे। गाइस, नीट एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए ये लेक्चर होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस लेक्चर में हम ओल्ड एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो नीट के अंदर एडिशनल क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन में पूछ लिए जाते हैं, प्लस न्यू एनसीईआरटी, दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स होंगे एनिमल किंगडम के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, एम्ब्रियोनिक लेयर, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड मेटाबोलाइजेशन, नोटोकोड, कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीस, एस्केहेलमिंथीस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, एमिकोडेट्स और कोडेट्स। कोडेट्स को फर्दर तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट एंड वर्टिब्रेट। यूरोकोडेट को हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। वर्टिब्रेटा को फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब होता है ए, मतलब विदाउट, और ग्नेथा का मतलब होता है जो, बिना जबड़े वाले। इसमें आते हैं साइक्लोस्टोमेटा, और ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब होता है जबड़े वाले। इसे दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, बियरिंग फिन्स और बियरिंग लिम्स। बियरिंग फिन्स में आएगा कोंड्रिक थाइस एंड ओस्ट्रिक थाइस, एंड बियरिंग लिम्स में आएंगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। समझ आया? तो चलो बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका सिंपल सा मतलब है कि सेल्स आपस में इंटरेक्ट करेगी तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। सिंपल टर्म में अगर मैं बात करूं तो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम, और वो आगे एक प्रॉपर फंक्शन को प्रोसीड करेंगे। समझ आया? देखो यहां पर ध्यान से देखना, सबसे पहले सेल, सेल के बाद बनेगा सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू का मतलब क्या बोला मैंने, ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू के बाद क्या बनेगा, टिश्यू के बाद बनेगा ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन बना लो इस तरह से, ये ऑर्गन, ऑर्गन क्या बोला मैंने, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ टिश्यू। इसके बाद बनेगा ऑर्गन सिस्टम, इसके बाद बनेगा ऑर्गन सिस्टम।
ये ऑर्गन सिस्टम यानी कि आपस में मिलके फंक्शन करेंगे। ये हो गया लंग्स, ये हार्ट। यानी कि मेरा बताने का मतलब है कि ऑर्गन आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बोल सकता हूं मैं सिंपल टर्म में, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। समझ आ गया? सेल आपस में इंटरेक्ट करेगी, जो सेल है ये सेल आपस में इंटरेक्ट करेगी, यानी कि इस तरह से आपस में इंटरेक्ट करेगी, इंटरेक्ट करके जुड़ जाएगी, क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू आपस में जुड़ेंगे, क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन आपस में जुड़ेंगे यानी कि एक ग्रुप बना लेंगे, उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, और आगे हमारे पर्टिकुलर फंक्शन को प्रोसीड करेंगे। समझ आया? नेक्स्ट सेकंड में बात करूंगा इसमें। सिमेट्री, देखो सिमेट्री यानी कि हमारी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, हमारी बॉडी की शेप कैसी है। अगर मैं किसी बॉडी पार्ट को डिवाइड करूंगा तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये किस तरह से डिवाइड होगा। अगर मैं उसे एक प्लेन से कट करूंगा तो वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा और किस तरह से डिवाइड होगा, उसे हम बोलते हैं सिमेट्री। तो एनसीईआरटी में सिमेट्री 3 टाइप्स की दी है, किसे, कौन कौन सी है? सबसे पहले आएगा एस सिमेट्री, एस सिमेट्री। सेकंड रेडियल सिमेट्री, थर्ड बाइलेटरल। देखो रेडियल और एस सिमेट्री रेडियल और बाइलेटरल, तीन सिमेट्री एनसीईआरटी के अंदर दी है। इन दोनों में एक डिफरेंस है और एक सिमिलरिटी है, वो क्या है मैं बताता हूं। देखो मैंने यहां पे लिखा है, ये इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या है, देखो यहां पे लिख दिया मैंने, एसिमेट्री और इधर रेडियल, रेडियल। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? एनी प्लेन पास थ्रू दी बॉडी passes through the center, through the central axis of the body। इन दोनों के अंदर हम एक सेंट्रल एक्सिस से किसी प्लेन को पास करेंगे। सपोज ये बॉडी है, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस का सेंट्रल एक्सिस ही है, यहां से मैं किसी प्लेन को पास करूंगा, अगर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री, अगर दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है तो इसे हम बोलेंगे एस सिमेट्री। समझ आया? देखो यहां पे मैंने दिखाया रेडियल सिमेट्री, अगर मैं यहां पे एक प्लेन पास करूंगा तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसे बोलते रेडियल, इक्वल में डिवाइड हो गया। देखो यहां पे डिवाइड करूंगा तो दो, एक हाथ इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, एक पैर इधर आ जाएगा, एक पैर इधर आ जाएगा, हाफ बॉडी इधर आ जाएगी और हाफ बॉडी इधर आ जाएगी, यानी कि राइट और लेफ्ट में दोनों पार्ट इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए हम उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। समझ आ गया? तो यहां पे मैंने क्या लिखा, दोनों के अंदर पास करेंगे सेंट्रल एक्सिस से एनी प्लेन। यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो यहां पर वर्ड है एनी प्लेन, इस वर्ड को याद रखना बस, एनी प्लेन। लेकिन बायलेटरल के अंदर बाइलेटरल के अंदर क्या होगा, बाइलेटरल में होगा ओनली वन प्लेन,
इसमें क्या होगा, ओनली वन प्लेन, पास थ्रू सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, सेंट्रल एक्सिस से पास करेंगे ओनली वन प्लेन। डिफरेंस क्या है दोनों में, इसका अंदर है ओनली वन प्लेन, इसमें है एनी प्लेन। एनी प्लेन पास करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं छोटा सा, नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ, इक्वल हाफ, और इसके अंदर डिवाइड इनटू इक्वल हाफ। तो यहां पर लिख देता हूं, ये डिफरेंस है दोनों में, ये इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा रेडियल का इक्वल हाफ, इक्वल हाफ। ठीक है, ये दोनों लाइन दोनों के अंदर सेम है, बस डिफरेंस क्या है इस वर्ड का, नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ, बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा तो एसिमेट्रिक, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा तो रेडियल सिमेट्री। और इसमें एनी प्लेन, किसी भी प्लेन को पास करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा एसिमेट्री, कर देगा तो रेडियल सिमेट्री। यहां पर ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन, एक प्लेन से पास करेंगे तो दो में डिवाइड कर देगा। समझ आया, चलो नेक्स्ट। थर्ड, एम्ब्रियोनिक लेयर्स। देखो एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एम्ब्रियोनिक लेयर्स तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और मिडिल मेसोडर्म। उन बेसिस के यानी कि वो सेल आपस में किस तरह से अरेंज होगी, उसे दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, उसे दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक है डिप्लोब्लास्टिक, एक है डिप्लोब्लास्टिक और एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो डिप्लोब्लास्टिक नाम से पता लग रहा है, यहां पर डिप्लो एंड ट्रिप्लो, ट्रिप्लो मतलब जिसके अंदर दो लेयर होगी और जिसके अंदर तीन लेयर्स होंगी। दो लेयर्स होगी डिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर्स होगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहां पर ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा है, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म और इसके अंदर मेसोडर्म भी है। अब यहां पर देखो, इसमें सिर्फ दो लेयर है, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और बीच में जो लिखा है ना, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है जिसे हम बोलते हैं मेसोग्लिया। क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया, और ये है डिप्लोब्लास्टिक। अब इसमें देखो मेसोग्लिया क्या हो गई, आपस में अरेंज हो गई, एक लेयर बना लिया, स्टिक लेयर, हार्ड लेयर बना ली एक, उसे हम बोलते हैं मेसोडर्म। समझ आ गया, इसमें तो सिर्फ एक क्या है, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है, सेल जो मतलब पूरी तरीके से डिफरेंशिएट नहीं हुई है। समझ आया, यह डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक होता है मेसोग्लिया, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में थर्ड लेयर होती है मेसोडर्म, बीच में होती है। समझ आया, तो मैं वही यहां पर लिख लेता हूं, एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज इन, सेल्स आर अरेंज इन आउटर एक्टोडर्म, आउटर एक्टोडर्म एंड एंड
इनर एंडोडर्म एंडोडर्म एंड एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया मेसोग्लिया बिटवीन देम मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं मेसोग्लिया। और ये तीनों जिस्मों के से बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जिसके अंदर मेसोग्लिया की जगह पर मेसोडर्म प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहां पर भी डेफिनेशन सेम हो जाएगी, बट डिफरेंस क्या होगा, मेसोग्लिया की जगह पर क्या होगा, मेसोडर्म यहां पर होगी। समझ आया? तो मैं यहां पर सीधा सीधा लिख देता हूं आउटर एक्टोडर्म इनर एंडोडर्म एंड मिडल मेसोडर्म। इनके एग्जांपल्स जितने मैंने बताए ना यहाँ पर, इनके एग्जाम्पल इसके अंदर एग्जाम्पल्स भी आएंगे, कौन कौन से एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है और कौन कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वो एनसीईआरटी में एक टेबल दी है, उसे मैंने आगे और एक्सटेंड कर दिया है। वो मैं आप सभी को इस लेक्चर के बाद में या फिर आगे लेक्चर्स में आप सभी को दिखाने वाला हूं। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे फोर्थ बात करेंगे हम सिलोम। देखो सिलोम का सीधा सीधा मतलब होता है केविटी। केविटी किसके बीच में? बॉडी वॉल और गट वॉल। जो बॉडी की वॉल है, हमारी जो बॉडी है उसकी वॉल और अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अंदर की जो सिस्टम है, उसे हम बोलते हैं गट वॉल। जो हमारा अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उसकी वॉल को बोलते हैं गट वॉल। और इसे ऊपर वाली लेयर को इसे बोलते हैं क्या बोलेंगे इसे ये बॉडी वॉल है और ऑर्गन की वॉल को बोलते हैं गट वॉल। इन दोनों के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सिलोम। समझ आया? तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर The cavity which is lined by mesoderm, which is lined by mesoderm. Second point, present between body wall and gut wall, lined by mesoderm। देखो जो मैंने जो फर्स्ट लाइन लिखी है, द केविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, मैंने क्यों लिखा? देखो यहां पे क्या अंदर वाली लेयर, इन दोनों एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में क्या है, मेसोडर्म। इसी से तो अटैच्ड होगी जो केविटी है। सपोज ये केविटी है, ये केविटी है, किससे अटैच है? ये अंदर वाली केविटी मेसोडर्म से तो अटैच होगी। अंदर वाली केविटी कहां पर होगी? मेसोडर्म से अटैच होगी। देखो मैंने यहां पे बनाया स्ट्रक्चर सिलोम का, ये आउटर एक्टोडर्म, ये है इनर एंडोडर्म और ये मेसोडर्म। आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और ये मेसोडर्म, जो लाल वाली बनाई है मेसोडर्म। समझ आ रहा है? अब देखो मेसोडर्म से अटैच है जो केविटी है, वो मेसोडर्म से अटैच है, इसलिए इसे बोलते हैं सिलोम। केविटी दिख रही है यहां पे, इसे बोलते हैं सिलोम। अब स्यूडोसिलोम का मतलब क्या होगा? सीडोसिलोम का मतलब होगा अगर मेसोडर्म, जो मेसोडर्म है ये अगर पाउच की फॉर्म में स्केटर्ड है, पाउच की फॉर्म में, देखो छोटे छोटे पाउच दिख रहे होंगे यहाँ पर, तो इसे हम बोलते हैं सीडोसिलोम, झूठी सिलोम। यानी कि पूरी तरीके से सिलोम भी नहीं है,
पूरी तरीके से कैविटी भी नहीं है और कैविटी दिखाने का नाटक कर रही है, समझ आए? तो इसे हम बोलते हैं सीडोसिलोम। तो सिलोमेट जो मैंने लिखा है यहां पर, थ्री टाइप के होते हैं, कौन कौन से होंगे? फर्स्ट सिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड ए सिलोमेट। इसमें सीधा सा डेफिनेशन में सीधा सा ये लिखना है, सिलोमेट का मतलब सिलोम प्रेजेंट, सीधा सा कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें सिर्फ इतना लिखना है जिस एनिमल के अंदर, जिस एनिमल में सिलोम प्रेजेंट है। तो यहां पर सीधे लिख लो सिलोम, सिलोम प्रेजेंट। सीडो सिलोम के अंदर क्या लिखोगे? मीजोडर्मिन स्केटर्ड पाउच। इसमें क्या होगा? इसके अंदर मीजोडर्म प्रेजेंट इन स्केटर्ड पाउच। मीजोडर्म स्केटर्ड पाउच की फॉर्म होगी, मीजोडर्म स्केटर्ड पाउच। और ए सिलोमेट, मैंने सीधा सीधा बताया यहां पर, ए मतलब होता है विदाउट, तो यहां पे विदाउट सिलोम, विदाउट सिलोम, इसके अंदर सिलोम नहीं होगी। तो जिसमें सिलोम है उसे बोलते हैं सिलोमेट एनिमल, जिसमें सीडोसिलोम यानी कि मीजोडर्म स्केटर्ड पाउच की फॉर्म में उसे बोलते हैं सीडोसिलोमेट, जिसमें सिलोम कैविटी नहीं है उसे बोलते हैं एसिलोमेट। समझ आया? चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ। सिलोम के बाद आएगा सेगमेंटेशन और मेटामराइजेशन, सेगमेंटेशन एंड मेटामराइजेशन। देखो सेगमेंट को मेटामियर्स बोलते हैं, इसलिए प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन को क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन। और प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन और मेटामराइजेशन को क्या बोलेंगे? मेटामराइजेशन। समझ आया? तो इसमें हम लिखेंगे सीधा सीधा अफनोमिना, अफनोमिना इन विच the body of an organism, in which the body of an organism the body of an organism may be externally or internally divided। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है उसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। उसे क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। प्रोसेस को बोलते हैं मेटामराइजेशन। सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? यहां पर मैं लिख देता हूं, फिर भी देखो सेगमेंट को हम बोलते हैं, सेगमेंट बराबर मेटामियर्स, सेगमेंट बराबर मेटामियर्स।
समझ आया? सेगमेंट को हम बोलते हैं मेटावियर्स। अब किस में होती है भाई? एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड हिरुडिन एरिया किस में होगा? हिरुडिन लीच वगैरह सुना है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी हमें इतना समझना है कि मेटामराइजेशन और सेगमेंटेशन होता क्या है। देखो जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में बना देता हूं, अब यहां पे देखो क्या होगा, बॉडी इस तरह से डिवाइड होगी, इस तरह से एक्सटर्नली और इंटरनली इस तरह से बॉडी डिवाइडेड होती है। इसके अंदर इसे बोलते हैं मेटामेरिज्म, मेटामराइजेशन और सेगमेंटेशन। समझ आया? नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सिक्स्थ हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड। देखो नोटोकॉर्ड का मतलब है मेसोडर्मली ड्राइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि पीछे की तरफ जो रीढ़ की हड्डी है पीछे की तरफ एक मेसोडर्म से ड्राइव होने वाला रोड जैसा स्ट्रक्चर, रोड होती है ना, रोड जैसा स्ट्रक्चर। अब ये सेगमेंट की फॉर्म में हो सकता है और सेगमेंट की फॉर्म में भी नहीं हो सकता, यानी कि अगर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाए तो उसे हम बोलते हैं वर्टिब्रेट, और छोटे छोटे टुकड़ों में अगर वो हड्डी जो रीढ़ की हड्डी है जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिस्किट में डिवाइड नहीं होता तो उसे हम सीधा बोलते हैं कॉर्डेट्स। समझ आया? वो कॉर्डेट यानी कि हड्डी है, कॉर्डेट्स नहीं है तो नॉन कॉर्डेट्स, ये तो सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है। अब जिसमें वो छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में उसे बोलते हैं वर्टिब्रेट, और छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में नहीं है तो उसे बोलते हैं नॉन वर्टिब्रेट। समझ आया? बस इतना सा डिफरेंस है। अब देखो लिख देता हूं यहां पर, अब मेसोडर्मली मेसोडर्मली ड्राइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर formed on dorsal side during embryonic development embryonic development के time पे जब embryo का development होता है उस time पे dorsal side में पीछे की तरफ एक रोड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे उसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। अब इसमें देखो इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स का मतलब होता है सीधा सा मतलब है इसका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, और नॉन कॉर्डेट्स का मतलब है नोटोकॉर्ड एब्सेंट। क्या होगा? नोटोकॉर्ड एब्सेंट। समझ आया? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट्स। सीधा सा मतलब है। अब देखो अब हम पढ़ेंगे फाइलम के बारे में। सबसे पहली हमारी है पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। तो यहां पर मैं सिक्स लिख देता हूं, सिक्स नहीं ए लिख देता हूं, ठीक है? सिक्स के अंदर ए बी सी डी करके पढ़ेंगे। सबसे पहली फाइलम क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा, अब देखो पोरीफेरा को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोरीफेरा को हम स्पॉन्जिस भी बोलते हैं। जो स्पंज यूज करते हैं ना हम घर में,
इस तरह से, ठीक है, बर्तन वगैरह धोने के लिए स्पंज यूज करते हैं, तो उस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्पॉन्जिस। समझ आया पोरीफेरा को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिस। देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर एनसीईआरटी में जितनी भी लाइंस दी है वो सारी कवर हो जाएगी। देखो सबसे पहले क्या होगा पोरीफेरा को, पोरीफेरा को स्पॉन्जिस बोलते हैं। सेकंड, हैविंग वाटर कैनाल सिस्टम, इसके अंदर एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है। आप देखो ये रहा वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले पानी एंटर करेगा मिनट पोर्स से, छोटे छोटे पोर्स देखो मैंने बनाया यहाँ पर, ये सारे छोटे छोटे पोर्स से छेद है, इसमें वाटर एंटर करेगा, इन छेद को हम बोलते हैं ओस्टिया। इसके बाद इस कैविटी के अंदर खाली जगह है ना, इस कैविटी में जाएगा, इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जी सील। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी सील। इसके बाद पानी यहां से होता हुआ बाहर आ जाएगा, जिस स्ट्रक्चर से बाहर आएगा, जिस ओपनिंग से बाहर आएगा, वो एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ओस्कुलम। मिनट पोर्स, छोटी छोटी ओपनिंग को बोलते हैं ओस्टिया, और लार्ज ओपनिंग को बोलते हैं ओस्कुलम। ओस्टिया से पानी जाएगा, उसके बाद कैविटी स्पॉन्जी सील में जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा ओस्कुलम से। इसका फंक्शन क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फंक्शन, यानी कि वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन होता है फूड को गैदर करना, फूड को खा लेना, एक्सक्रीट कर देना, यानी जो बचेगा खराब चीजें एक्सक्रीट कर देगा, और रेस्पिरेशन करना। तीन फंक्शन है इसके, समझ आया। थर्ड पॉइंट, इसका जो एक्सोस्केलेटन है, जैसा हमारा स्केलेटन बोन्स का बना है, इसका स्केलेटन किसका बना होगा? एक्सोस्केलेटन, स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। समझ आया, सारे सारे पॉइंट्स यहां से कवर हो जाते हैं। इसके बाद एग्जांपल आ जाएंगे, एग्जांपल केस से याद करोगे, साइकन साइफा स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज। साइकन साइफा स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज। समझ आया, तो साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। समझ आया, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा यहां पर, हैविंग वाटर कैनाल और ट्रांसपोर्ट, वाटर कैनाल या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन मैं यहां पर लिख देता हूं इसी के जस्ट नीचे। इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन जैसे कि मैंने अभी बताया, इसका पहला फंक्शन है फूड, फूड गैदरिंग, फूड को ले लेना। सेकंड, एक्सक्रीशन। थर्ड, रेस्पिरेशन। समझ आ गया, ये इसके फंक्शन हो जाएंगे वाटर कैनाल सिस्टम के। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला इसमें, सेकंड पॉइंट इसके अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? देखो वाटर, इसके अंदर वाटर एंटर करेगा किसमें? वाटर एंटर करेगा ओस्टिया में। किसमें एंटर करेगा? ओस्टिया। और ओस्टिया का है, ओस्टिया है मिनट, मिनट पोर्स। ओस्टिया छोटे छोटे छेद को बोलते हैं ओस्टिया। वाटर इसमें एंटर करेगा, एंटर करने के बाद कहां जाएगा? ये जाएगा स्पॉन्जी सील में चला गया। स्पॉन्जी सील क्या है? कैविटी। ये क्या है? यह कैविटी में जाएगा, और कहां से बाहर आ जाएगा? ये बाहर आ जाएगा ओस्कुलम से। कहां से? ओस्कुलम क्या है? ओस्कुलम है लार्ज पोर्स को बोलते हैं ओस्कुलम। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है इसमें। नेक्स्ट मैंने क्या बोला एक्सोस्केलेटन। इसका एक्सोस्केलेटन किसका बना है? इसका एक्सोस्केलेटन बना है स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा, इसमें जो सेक्स होते हैं वो होते हैं
हर्माफ्रोडाइट्स, क्या होते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, यानी कि मेल और फीमेल इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। समझ आ गया? तो मैंने आप सभी को क्या बताया, सबसे पहले बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन सिमेट्री, देन एम्ब्रियोनिक लेयर, उसके बाद सिलोम, उसके बाद सेगमेंटेशन एंड मेटाबोलाइजेशन, उसके बाद नोटोकोड, नोटोकोड में कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स, और आज हमने एक फाइलम कवर की है पॉलीफेरा। समझ आ गया? इसके बाद जितनी भी फाइलम मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब देखो दो नोट पॉइंट में लिखवा रहा हूं, ठीक है, जाने से पहले दो नोट पॉइंट और लिखवा देता हूं मैं आप सभी को। इसे हटा के यहां पे ही पे लिखवा देता हूं, ठीक है। ये ओल्ड एनसीईआरटी से इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, ये यहां पे नोट करके लिखवा देता हूं क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी से। देखो लार्वा, लार्वा की बात करूंगा, लार्वा पॉलीफेरा के अंदर दो तरीके के होते हैं, एक होता है होलो एंड एक होता है सॉलिड। एक होलो लार्वा होता है, एक सॉलिड लार्वा होता है। होलो लार्वा को बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला, क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला, और इसे हम बोलते हैं पेरेन्काइमुला। देखो एम्फीब्लास्टुला पेरेन्काइमुला, एम्फीब्लास्टुला किसमें होता है साइकन, ये किसमें होता है, ये तो होता है साइकन में, ये होता है साइकन, साइकन एक स्पॉन्जिस है सभी को पता है, और ये होता है, ये होता है ल्यूकोजोनेलिया, ये होता है ल्यूकोजोनेलिया, ये होता है ल्यूकोजोनेलिया के अंदर। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है सॉलिड लार्वा होता है ल्यूकोजोनेलिया, बस सिर्फ याद क्या रखना है एनसीईआरटी में साइकन। तो साइकन का लार्वा कैसा होता है, होलो लार्वा, जिसे हम बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है, यहां पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है साइकन, तो लार्वा क्या होगा उसका, होलो लार्वा एम्फीब्लास्टुला। समझ आ गया? तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आए होंगे, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एंड आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे, जिसने नहीं देखे ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर देखे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।